हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने वीडियो में फंक्शंस के बारे में सीखा और फंक्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग सीखा। पर यहाँ पर मैं थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। नॉट नेसेसरी कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट के ये समझ में आए कि इनका यूज़ केस किधर किधर है, बिकॉज आगे चल के हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड जैसे ही जाएंगे तो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जब हम फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट हैं और इसको हम लोग कैसे प्रॉपरली यूज़ करें वो हम लोग आगे वीडियोज़ में सीखेंगे। पर एटलीस्ट यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, वो इंटेंशन है इस वीडियो का। ओके, सो यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, स्कोप कैसे वर्क करता है, फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि बिकॉज फंक्शन एक वैल्यूज़ के जैसे हैं तो हम लोग उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, कॉल बैक्स क्या होती हैं और होस्टिंग के बारे में भी हम लोग आगे वीडियोज़ में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कोप के बारे में। ओके, सो यहाँ पर स्कोप के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं उस फंक्शन का नाम दे देता हूँ फू। ओके, और ये फंक्शन ओपनिंग और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये जो है फंक्शन का बॉडी है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा हूँ, जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पर मुझे कंसोल टैब में उसका यहाँ पर आउटपुट दिखाई जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज वेरिएबल का नाम है नेम और इस नेम वेरिएबल को मैं असाइन करता हूँ स्ट्रिंग शोएब। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और वहाँ पर मैं ही नेम वेरिएबल असाइन कर दूंगा। अब मैं आगे इधर रन करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। उसका कारण ये है बिकॉज यहाँ पर ये जो फू फंक्शन है मैंने इसको कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको डिफाइन किया था, तो अब मैं उसे यहाँ कॉल भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रन करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं शोएब दिखाई देगा। सो यहाँ पर ये जो नेम जो वेरिएबल है, ये वे नेम वेरिएबल जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। ओके, तो इससे हम लोग स्कोप कहते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ नहीं एक्सेसिबल है, ताकि जब आप वेरिएबल्स लिखें और जब आप उसको यूज़ कर रहे हो या उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि वो वेरिएबल कौन कौन से है और वो कहाँ पर से हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। अभी अगर मैं इसके फंक्शन बॉडी के बाद में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर वो नेम वेरिएबल यहाँ पर मैं दे देता हूँ, और अब मैं अभी यहाँ पर मैं रन करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो एरर बताएगा, देख सकते हैं जे एस बी नॉट, मतलब बेसिकली एक एरर आया है यहाँ पर। ठीक है, सो इसलिए आप देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। जे एस बिन में डॉट कॉम पर अगर आप जाएंगे कोई एरर आता है तो इस तरीके से प्रिंट करते हैं, यहाँ पर अब वो आ रहा है। तो अब यहाँ पर पहले में यहाँ जो नेम वेरिएबल जो है वो इस यहाँ पर कंसोल लॉग हमने किया तो शो भी यहाँ पर दिखाई दिया, पर नीचे हमने जब भी किया फंक्शन ख़त्म होने के बाद में तो वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो नेम जो वेरिएबल है इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन बॉडी के अंदर है, इसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। ओके, सो वेरिएबल जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये अगर मैं यहाँ पर एक और समझो एक फंक्शन है यहाँ पर, ओके, मैं इसके अंदर एक और फंक्शन यहाँ बना सकता हूँ तो उसका नाम मैं रहता हूँ बार। ओके, और ये जो इनर फंक्शन जो है इसको आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स का एक्सेस होता है, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर वो नेम पास करता हूँ और मैं अभी क्लियर करके इसे रन करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब वो ओके, सो अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉल कर देता हूँ इसको भी, इसलिए आउटपुट नहीं दिखाई दिया। मैं क्लियर करके रन करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं शोएब दो बार हमें दिखाई देगा। सो ये किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले ही अगर इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल एक्सेसिबल है तो हम लोग वहाँ चेक करेंगे कि वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है या नहीं, अगर वो नहीं है तब वो बाहर आता है। तो पहले उसने यहाँ चेक किया कि इस बार फंक्शन के अंदर नेम है क्या नहीं, अगर वो नहीं है तब वो बाहर आया और उसने यहाँ पर चेक किया तो उसे यहाँ पर वो मिल गया, इसलिए उसने यहाँ पर भी प्रिंट किया और यहाँ पर ऑफकोर्स इधर तो है ही, तो इसलिए वहाँ पर वो ये जो शोएब वेरिएबल ये भी यहाँ पर वो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं लेट सपोज इस वेरिएबल को कट करके यहाँ बाहर दे देता हूँ तो अब ये जो नेम वेरिएबल जो है वो इस फू फंक्शन में भी नहीं है, उस बार फंक्शन में भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे क्लियर करके रन करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट प्रॉपर होगा, अब ये कंसोल लॉग भी प्रिंट हो गया जो फंक्शन के बाहर था, क्योंकि हमने उस वेरिएबल को मूव कर लिया फंक्शन के बाहर तो अब वो ग्लोबली एक्सेसिबल है, इसलिए ये भी कंसोल लॉग प्रॉपरली प्रिंट हो गया। ओके, और इस फू के अंदर जो नेम वेरिएबल था ये भी प्रिंट हो गया, बिकॉज सबसे पहले फू के अंदर जो नेम यहाँ पर यूज़ किया इसने चेक किया कि फू के अंदर वो फंक्शन कोई वेरिएबल नेम है क्या, नहीं है, तो वो बाहर गया और बाहर पर उसे मिल गया। उसी तरीके से बार फंक्शन भी वर्क किया, उसने पहले इनर में चेक किया कि यहाँ पर कोई नेम वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो वो बाहर चेक किया फू में, तो यहाँ पर वो नहीं है, तब वो बाहर गया और नेम उसको यहाँ मिल गया। ओके, सो ये जितने इनर लूप जितने फंक्शन आप क्रिएट करते हो आप इस तरीके से कह सकते हो आप इनर स्कोप क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो सबसे पहले वो चेक करें उस फंक्शन के अंदर है या नहीं, अगर नहीं है तब वो बाहर जाएगा। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ सेम नाम का वेरिएबल
और यहाँ पर मैं नाम चेंज करके जॉन दे देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ क्लियर करके रन करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला जो था, सबसे पहले कंसोल लॉग प्रिंट हुआ ये, जिसको यहाँ पर मैं कॉमा दे करके ग्लोबल दे देता हूँ, ग्लोबल नेम। ओके, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ फू कॉमा, और यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ बार कॉमा, ताकि आप पता चले एग्जैक्टली प्रिंट किसका हो रहा है। ओके, अब मैं क्लियर करके यहाँ पर इसे रन करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि तो सबसे पहले यहाँ जो प्रिंट हुआ ग्लोबल शोएब, फू जो प्रिंट हुआ यहाँ पर शोएब, पर यहाँ जो प्रिंट हुआ बार के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ जॉन प्रिंट हुआ, वहाँ पर शोएब प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल जो है, सबसे पहले इनर में उसने चेक किया कि नेम वेरिएबल जैसा कोई है, उसको वहीं मिला तो वो बाहर गया ही नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बेसिकली जो नेम वेरिएबल जो बाहर है उसको इसने ओवरराइड कर दिया या उसको शैडो कर दिया। ओके, तो ये सबसे पहले इनर चेक होगा फिर बाहर, जैसे जैसे लूप आप जैसे जैसे आप ना स्कोप क्रिएट करेंगे वैसे वैसे वो उसके पैरेंट में जाता जाएगा।